नमस्कार, मी अक्षता रोकडे. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. शिरूर नगर परिषद व्यापारी संकुलाच्या समोर छत्रपती क्रांती सेना व बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त मंगळवार दिनांक 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी अभिवादन सभा व प्रबोधन संमेलन घेण्यात आले. या सभेला बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी आपल्या प्रखर भाषण शैलीत केंद्राने मंजूर केलेल्या NRC, CAA, NPR या कायद्यामुळे देशाची पुन्हा फाळणी करण्याचे शासक वर्गाचे षडयंत्र असल्याचे प्रतिपादन केले. यावेळी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल हमीद अझहरी यांनीही या कायद्यांचा खरपूस समाचार घेतला. या कार्यक्रमाला बहुसंख्येने कार्यकर्ते व शिरूरकर उपस्थित होते. आमचे शिरूर विभागीय संपादक रवींद्र खुडे यांनी यावेळी वामन मेश्राम यांच्याशी थेट संवाद साधलाय, पाहुयात. NRC आसाम में और इंडिया में लागू हुई NRIC, ये इंडिया लेवल पर लागू होगा. जैसे अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा है, ये सारे देश भर में लागू होगी. बीजेपी के मैंने भी स्टोर में लिखा हुआ है, सारे देश भर में लागू होगी. जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल है, केवल वहां लागू नहीं होगी, सारे देश भर में लागू होगी. बांग्लादेश का, पाकिस्तान का आदमी आए या ना आए, हर जगह लागू होगी. अमेरिका में शुरुआत नहीं, अमेरिका में शुरुआत नहीं है, अमेरिका में ओबीसी नहीं है, जातिया नहीं है. और अगर यही पर है तो ये तो DNA के आधार पर प्रूव हो सकता है. मगर रावण DNA लेने के लिए, मूल निवासी होने के सिद्ध करने के लिए DNA लेने के लिए राजी नहीं है. क्यों DNA लेने के लिए राजी क्यों नहीं है? क्योंकि DNA से रावण विदेशी साबित हो जाएगा और सारे जो मूल निवासी है, मूल निवासी सिद्ध हो जाएंगे. आज शिरूर या ठिकाणी इंदिरा गांधी पुतळा चौकामध्ये आपल्यासोबत या ठिकाणी बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहेब. आपण त्यांच्या जाणून घेऊयात की आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी ते संबोधन करण्यासाठी आले. त्यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे त्याच्यावर जाणून घेऊ. आप इधर आए तो आपने बहुत जगह के अनेक लोगों के ऊपर टीका की. आपको डर नहीं लगता इतने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? सच्ची बात बोलने के लिए डर नहीं होना चाहिए. जो सच्चाई है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश को बचाने का समय है. और ऐसे समय में अगर मैं चमड़ी बचाऊँ तो फिर देश कैसे बचाऊँगा? या तो चमड़ी बचेगी या तो देश बचेगा. तो मुझे जब देश को बचाना है तो चमड़ी की मैं चिंता नहीं कर रहा. आप इस पूर्व संध्या पे क्या लोगों को क्या बोलना चाहिए? मैं मराठी मध्ये 18 पगड़ जातींना एकत्रित करून सीखना चाहिए और हमें भी 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा, उसको जोड़ना चाहिए जो शिवाजी महाराज ने जोड़ने का काम किया. हमको सीमेंटिंग का काम करना चाहिए. जैसे चमड़ों को जोड़ने के लिए सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है, लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल होता है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरिया रामस्वामी, इनकी जो विचारधारा है ये 6000 जाति को जोड़ने वाली विचारधारा है. इस विचारधारा का उपयोग करके जोड़ो, जोड़ने से ताकत पैदा होगी, अकेले अकेले लड़ने से नहीं होगा. आपने NRCCA के बारे में बहुत जगह पे मीटिंग ली है, शुरू में भी और सक्सेसफुली यहाँ पे मीटिंग हुई. CAA भारत को धर्म के आधार पर भेदभाव करके विभाजन करने वाला कानून है और किसी भी हालत में हम इसको रोकेंगे. हर हालत में ये भारत को तोड़ने का कानून है. और NRIC जो है वो सारे देश भर में जब लागू होगा तो 30-35 करोड़ से कम लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है. तो ये तो बहुत भयंकर मामला हो जाएगा. ये यूरोपियन यूनियन के लोग बोल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़े रिफ्यूजी लोगों की समस्या पैदा होने वाली है. यूरोपियन यूनियन के लोग बोल रहे हैं. और रिफ्यूजी जब पैदा होते हैं तो यूरोप वालों को भी पैसा देना पड़ेगा इनका पालन पोषण करने के लिए. ये संकट खड़ा होने वाला है. सर, आप मुस्लिम जमाती के लीडर हैं, राष्ट्र के नेता हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ का जिम्मेदार है। बामसेफ सारे मजलूम तबकात की एक तंजीम है, सिर्फ मुसलमानों का मैं नहीं हूँ, तमाम मजलूम तबकात के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इस देश की ब्राह्मणवादी ताकतों ने देश की जनता को हज़ारों टुकड़ों में बांटा। अब एक अरसे से सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है और इस समय में बामसेफ और उसकी जो एक विंग है राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, ये सब इस देश की जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ब्राह्मणवादियों की नापाक साजिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी और सीए का जो कानून लाया गया है वो इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। ब्राह्मणवादी चूँकि भारतीय नहीं हैं, इसलिए अगर इस कानून के नतीजे में भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, भारत में खून की नदियां बह जाएं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी हैं, ये यूरोपियन नस्ल के हैं, ये यहूदी नस्ल के हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, इसी भारत की मिट्टी से हम पैदा हुए, इसको बचाना हमारा फ़र्ज है। गोरी चमड़ी वालों को हमने यहाँ से निकाला, काली चमड़ी वालों की नापाक साजिशों को हम नाकाम करेंगे, सबको जोड़कर सबको एक साथ लेके। सर, आपके पास जो अभी स्टेज पे निधि जमा हुआ है, ये निधि के बारे में कुछ कहेंगे आप कि किस कैसा निधि है? तो कांग्रेस और बीजेपी वाले इधर टेबल के नीचे से लेते हैं, मैं टेबल के ऊपर से लेता हूँ। जो काला धन होता है वो छुप कर लिया जाता है, जो सफ़ेद होता है वो खुल्लम खुल्ला लिया जाता है। ये मेरे लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला लेता हूँ। मुझे खुल्लम खुल्ला लेने में इसलिए डर नहीं लगता कि काला धन नहीं है। इस निधि का ये आंदोलन के लिए, ये आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए। स्वखुशी से हाँ, ये आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? टाटा बिरला अंबानी हमको देते नहीं, वो बीजेपी को कांग्रेस को देते, हमको तो देते नहीं, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हम अपने लोगों की जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे ही लेते हैं।